जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी मेहनत और शिद्दत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। दिस गोइंग टू बी ए सेकेंड क्लास। और जो ये इकोनॉमी का जो ये सेक्शन है, हम फिर से कहते हैं 8 questions आपके आएंगे, 8 से 10 या 6 questions आपके आएंगे। और अगर आपके एग्जाम में टोटल 8 questions में एवरेज मान के चलो, अगर 8 questions आते हैं तो आपके 6 questions जो होंगे डायरेक्टली आपके वीडियो और PDF से होंगे। 1275 का अगर हम लोग एग्जाम देखते, 1 question आपके बस वीडियो से बाहर गया था, जो कि न्यूमेरिकल्स वाला आपका क्वेश्चन आया था। इवन हमने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, 2 से 2.5 घंटे का हमने आपको एक वीडियो दिया था, प्लस मैंने आपको PDF दिया था, उससे बाहर नहीं गया। ट्रस्ट करना है, जो भी हम आपको करा रहे हैं उसको आपको करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है। नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमंग द टॉपर। बायलिंगुअल लेके चलेंगे। और आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक चीज मैं बता देता हूँ, देखिए PDF के लिए आपको सोचना नहीं है, जितना मेहनत हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने उतना कर लिया आपका सिलेक्शन डन है, आप समझ लो, ठीक है। चाहे वो करेंट अफेयर्स हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो। और एक चीज, बाहर से मैं बैठ के जज नहीं कर रहा हूँ, चीजों को हमने कर रखा है वही चीज मैं आपके सामने कर रहा हूँ, और उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना जरूरत है। इकोनॉमिक्स खुद में एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आपको कम से कम दो महीना से ढाई महीना तो आपको अच्छे से उस चीज को समझने में लग जाएगा। तो हम टू द पॉइंट कंसाइजली कंसेप्चुअली उतना ही पढ़ा रहे जितना आपको जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है जब एक स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है तो उसको 10 से 12 सब्जेक्ट पढ़ के जाना है। आप टीचर नहीं हो जो एक सब्जेक्ट का सिर्फ ज्ञान रख के आपको एग्जाम निकालना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, आपके लिए PDF पूरा प्रिपेयर किया गया है, जैसे कि आज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हम लोग पढ़ने वाले, और जो 3 sector होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो सब चीज़ हम आपको लिए PDF में डालेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डालेंगे, आपके जो श्योर सिलेक्शन जो आपका ग्रुप है, बैच, वो उसमें आपका डलेगा। बट अभी जब भी वीडियो बनाऊं तो बस स्पेशली आपको फोकस करना है समझने पे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप जब देखोगे, और एक चीज, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में यहां डाल रहा हूं, ना ही ये बुक में मिलेगा, ठीक है, और ना ही कोई प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है डायरेक्टली वही बना के आया होगा या वही बता सकता है जो एग्जाम में बैठा और एग्जाम को निकाला है। देखिए, ये क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली सोशलिस्ट इकोनॉमी में पूछा गया कि एक एक पेपर में दो दो क्वेश्चन तो सिर्फ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी से आया था, ठीक है। ये भी 2024 का क्वेश्चन है, अभी मेंस का क्वेश्चन है ये, देखिए। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिए, क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे, बट आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। वीडियो नंबर 1 देख लीजिएगा, और ज्योग्राफी का पूरा हमने पूरा मेहनत से जो पढ़ाया है उसको पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट हमने पूरा यूट्यूब पे बना दिया है, सिंगल टीचर, ठीक है, जिसने पूरा ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करवा दिया गया है, प्लीज उसको आप कंप्लीट स्टार्ट कर दें। और नीचे लिंक भी है, ठीक है। तो साइंस के जो, मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि साइंस के जो क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ उसका कोई मतलब कंपेयर ही नहीं है, टोटली अनबीटेबल है। तो प्लीज उसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बहुत मेहनत से हम एक्सप्लेनेशन हर दिन लिखते हैं। तो स्टेटस वाले क्वेश्चंस को भी आप लिखते हुए चलिए, नीचे लिंक है, उसके भी आप जुड़ जाइएगा, नंबर आप सेव कर लीजिए। इकोनॉमी में अगर हम लोग बात करें, इकोनॉमिक्स का, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग करेंगे वीडियो नंबर 2। इससे पहले हमने क्या था, बेरोजगारी, प्लीज आप देख लीजिएगा, वहां से भी क्वेश्चंस रहते हैं। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए, ऐसे इकोनॉमी का अगर हम लोग टाइप देखें तो बहुत तरीके से इसको डिवाइड किया जा सकता है, बट हम लोग जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखने वाले हैं वो है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, समाजवाद, ठीक है, और एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दैट मींस पूंजीवाद। इसके बीच का डिफरेंस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पूछे गए हैं वो भी करने वाले, बट जो समझ डेवलप करना है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन अब आपके जो एक समझ पे, ठीक है, उसको भी चेक करता है। तो सबसे पहले अगर हम एक वर्ड यूज करते हैं, इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम लोग इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये सवाल आता है कि आखिर इकोनॉमिक्स है क्या, तो सिंपल टर्म में अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई इकोनॉमिक्स आखिर बेसिकली है क्या, इकोनॉमिक्स का क्यों पढ़ते, तो देखिए इकोनॉमिक्स बेसिकली इसलिए पढ़ा जाता है, या इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट में हम ये स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास जो रिसोर्स है, ठीक है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज कैसे किया जाए, और बड़े लेवल पे देखें तो इसको सही लेवल से यूटिलाइज एज वेल एज इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। जैसे हम अपने घर का बात करते हैं, तो घर में बहुत बार आपने सुना होगा, देखो एज ए रिसोर्स का अगर हम लोग बात करें, मैं फिर से बोलता हूँ, एक भी वर्ड में किताबी वाला नहीं बोलूंगा, अगर किताब के टर्म में देखोगे तो फिर आपको थोड़ा माइंड पे प्रेशर बढ़ेगा, फिर बोलेगा इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा। तो एकदम घर के लैंग्वेज में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जब भी कोई पूछे तो इकोनॉमिक्स क्या है, तो बेसिकली इस सब्जेक्ट में हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्स है,
ठीक है, उसका सही से हम लोग यूटिलाइज कैसे करें। वहीं बड़े लेवल पे देखेंगे तो रिसोर्स का हम लोग यूटिलाइज और डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से कैसे करें, ताकि जो एक लाइफ है वो सही तरीके से सस्टेन हो और सही तरीके से चले। जैसे कि आप सिंपल एग्जाम्पल मारो, ठीक है, कि हमारा घर में, हम लोग बहुत बार ये वर्ड यूज करते हैं, अपने मम्मी पापा को भी बोलते हुए सुने होंगे कि हमारा इकोनॉमी कंडीशन अभी सही नहीं है। अगर अभी हम रिसोर्स का बारे में बात करें तो रिसोर्स अगर अभी जो मोस्ट कॉमन चीज है, हम लोग पैसा मान के चलते हैं, ऐसे रिसोर्स बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। रिसोर्स एक ही आपका, अगर बड़े लेवल पे देखें तो एक मेडिकल भी क्या है, हमारे के लिए एक रिसोर्स ही है, क्या है, वो भी तो कुछ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मेडिकल भी हमारे लिए एक स्टोर है, ठीक है, मतलब रिसोर्स है वो हमारे लिए, ठीक है। तो उस पर भी हम बात करेंगे क्या क्या किस किस तरीके, पर जनरल टर्म में अगर बोलेंगे तो कुछ रिसोर्स, अगर जनरल टर्म में छोटे लेवल पे देखो तो रिसोर्स मतलब क्या, पैसा। तो बोलते हैं कि हमारे घर में मम्मी पापा बोलते हैं अभी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है मतलब क्या, हमने चीज़ों को सही से मैनेज नहीं किया, ठीक है, सही सुचारू रूप से चीज़ों को हमने मैनेज नहीं किया, इसलिए हमारा इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। डेट मीन्स हमारे पास पैसा का कमी हो गया है। तो ये क्या हुआ, तो मतलब आपने रिसोर्स को, ठीक है, सही तरीके से आपने यूज नहीं किया, ठीक है। तो आपने ये चीज समझा कि बेसिकली जो इकोनॉमिक्स मतलब होता है कि जो भी आपके पास पैसा है, जो भी आपके पास रिसोर्स है, अगर नॉर्मल टर्म में बोले जो भी आपके पास पैसा है, जो भी आपके पास रिसोर्स है, उसको किस तरीके से यूज करें ताकि जो लाइफ है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, अगर बड़े लेवल पर अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जब भी पढ़ते हैं बजट, पढ़ते हैं बजट से पहले हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी सर्वे। अब इकोनॉमिक सर्वे हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इकोनॉमी सर्वे हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि कितना पैसा हमने कहाँ लगाया था, अगले साल हमने कितना पैसा हमने कहाँ लगाया, ठीक है, और उससे हमें क्या आउटपुट मिला, एक सिनेरियो हमें मिल जाता है, ठीक है, कि कितना पैसा अगले साल हमें कहाँ लगाना है, बजट में अगले साल हमें कितना देना है, ताकि जो ये पूरा राज्य है सही तरीके से चल पाए। तो सिंपल समझ में आया कि इकोनॉमिक्स का मतलब है कि जो भी आपके पास रिसोर्स है उसको इस तरीके से यूज किया जाए, उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि लाइफ जो है सही तरीके से सस्टेन होके चलता रहे विदाउट एनी डिफिकल्टी। अगर हम लोग बड़े लेवल पे अगर हम लोग बात करें रिसोर्स मतलब, तो जैसे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट बहुत सारे रिसोर्स उसके हाथ में होता है जिसे उसे आम जनता तक पहुंचाना है। एक हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल भी क्या, एक रिसोर्स है हमारे लिए, ठीक है, समझ में आया, तो वो भी एक रिसोर्स है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट एक बस का अड्डा बना रही है, तो वो भी क्या, एक रिसोर्स है। तो गवर्नमेंट प्लान करती है हर चीज, ठीक है, प्लान करेगी कि कहाँ क्या करना है, किस तरीके से करना है, ताकि जो ये रिसोर्स है सब तक पहुंचे और सही तरीके से पहुंचे, ताकि सबका लाइफ आराम से बीते। यही है आपका इकोनॉमिक्स, और इसी के बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई, इकोनॉमिक्स मतलब है बेसिकली रिसोर्स को सही तरीके से क्या करना, यूज करना, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। अब देखो जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में। देखो अगर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस पे हम आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमें पढ़ना है, एक है आपका समाजवादी, दूसरा आपका पूंजीवादी। कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं, मैं आपके दिमाग में छाप के जाऊंगा, बस आप सुनते हुए चलो। और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि इंडिया है, इंडिया को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है। तो सबसे पहले अगर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो समाजवाद, दैट मीन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होता है, ठीक है, सोशलिज्म एक्चुअली यहाँ वर्ड लिखा गया है, ठीक है, सोशलिज्म, या जो सोशलिज्म वर्ड है, आपने जब आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ोगे, जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा तो 4 से 5 सब टॉपिक ही मैं आपको करवाने वाला हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री में, आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है, टू द पॉइंट जितना जरूरत है उतना, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 85 से जो 90 क्वेश्चन आता है वो टारगेट है, जो 5 से 7 क्वेश्चन आता है उस पर हमें मतलब नहीं, हमें एग्जाम निकालना है, उस पर हमें फोकस करना है, ठीक है, ज्ञानी बनना नहीं। अब देखिए, तो सोशलिस्ट अगर इकोनॉमी का बात करें, तो अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है, ठीक है, तो ये वर्ड एक्चुअली बहुत फेमस हुआ था उस समय, ठीक है, बट अभी हमारा मेन पॉइंट है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, मतलब आपका जो समाजवाद, ठीक है, और पूंजीवाद, जो आपका अर्थव्यवस्था है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि समाजवाद के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जो समाजवाद जो होता है बेसिकली, इसमें जो पूरा कंट्रोल होता है, पूरा इकोनॉमी पे कंट्रोल होता है, पूरा अर्थव्यवस्था पे जो कंट्रोल होता है, मेन जो पावर होता है वो किसके हाथ में होता है, तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, सिंपल। तो समाजवाद मतलब गवर्नमेंट के हाथ में पूरा का पूरा पावर है, जितना भी चीज, ठीक है, कंट्री में रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है,
उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसका कंट्रोल कमांड किसके हाथ में होगा, तो वो होगा आपके सरकार के हाथ में होगा। बस वही है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, जिसमें कि पूरा कमांड, इसलिए इसको कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कमांड कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन हर एक चीज जो होता है आपका किसके हाथ में होता है, तो आपका वो जो होता है वो आपका गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल अगर आप देखोगे तो नॉर्थ कोरिया भी अगर आप देखोगे तो वहां भी क्या है, तो एक आप बोलोगे कि एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में पूरा चीज है, इवन वहां का सेना भी जो है पूरी तरीके से आपका गवर्नमेंट के अंदर है, तो क्या एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट हर चीज प्लान करती है वहां। ठीक है, आपका मेडिकल सेक्टर हो गया, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, हर एक चीज पे किसका पावर है, तो वह है आपका सोशलिस्ट मतलब गवर्नमेंट का है। तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें पूरी तरीके से दबदबा, पूरी तरीके से कमांड, पूरी तरीके से रेगुलेशन, पूरी तरीके से रूल जो चलाया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, वही है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, क्या है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब एक चीज याद रखिएगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी के समाजवाद जो आपका अर्थव्यवस्था होता है इसका प्रवर्तक किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स को बोला जाता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजी है, इस पर हम नहीं जा रहे हैं अभी डिटेल में। ठीक है, बस हम अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात, एक ये आइडियोलॉजी है, बहुत लोग है जो समाजवाद को सपोर्ट करते हैं और बहुत लोग है जो पूंजीवाद को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बट हमारा मोटो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कार्ल मार्क्स है, जिन्होंने इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी लिखा था जिसका नाम था दास कैपिटल, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दास कैपिटल बुक किसने लिखा था, तो आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स। और जो ये दास कैपिटल है उसको आपको याद रखना है, समाजवाद का बाइबल भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा फादर ऑफ या आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि समाजवाद का जो प्रवर्तक किसको बोला जाता है, या फादर ऑफ, ठीक है, सोशलिस्ट जो इकोनॉमी है उसको किसको कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को। और इसका बुक का नाम क्या है, तो दास कैपिटल। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि पूरी तरीके से जो रूल एंड रेगुलेशन जो होता है, ठीक है, वो किसका बनाया हुआ होता है, तो वो गवर्नमेंट का बनाया हुआ होता है। इसीलिए इसको कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं। कमांड मतलब गवर्नमेंट कमांड जो जो करेगा उसको पूरा भी, जो वहां इंडस्ट्री हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, कोई भी सेक्टर ले लो, ठीक है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंदर होगा, जो जो गवर्नमेंट कमांड करेगा वो करना पड़ेगा। तो जो रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट मतलब पूरी तरीके से जो रूल एंड रेगुलेशन होगा इस अर्थव्यवस्था में वो पूरा क्या होगा, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखोगे, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है यूएसए, यूएसए में पूंजीवादी मतलब क्या होता है, पूंजीवादी मतलब बोलना कि जैसे कि यहां पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर में था, तो यहां जो जितना भी इंडस्ट्री होगा, मैक्सिमम चीज किसी भी सेक्टर को ले लो आपको, ठीक है, वो जो होगा पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब क्या होगा, प्राइवेट, प्राइवेट, हर एक चीज प्राइवेट वहां होगा। ठीक है, मतलब कैपिटलिस्ट होगा, मतलब वहां क्या होगा, कंपनी पे कंपनी बनेगा और उस जो आपका देश होगा, ठीक है, वो पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट होगा, पूंजीवादी होगा। जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है आपका, जैसे कि आप यूएस को देखो, यूएस में क्या है कि डिफेंस को अगर छोड़ दिया जाए तो हर एक सेक्टर ही उसका क्या है, पूरा प्राइवेट है। ठीक है, इवन वहां का जो बैंक है वो भी प्राइवेट बैंक है। ठीक है, अगर हम इंडिया का कंसिडर करें तो यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित इकोनॉमी, उस पर हम आएंगे। बट अगर हम लोग पूंजीवाद का बात करें, ठीक है, पूंजीवाद का बात करें तो वहां जो होता है कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी लोग जो होता है डोमिनेटिंग होते हैं। ठीक है, यूएस का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तो आई थिंक वहां डिफेंस को छोड़ के बाकी जितना सेक्टर है, चाहे बैंक हो गया, चाहे ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, हर एक चीज क्या है वहां, क्या है आपको कंपनी के द्वारा चलाया जाता है, पूंजीवादियों के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सोशलिज्म जो होता है इसमें जो मेन जो फोकस होता है, ठीक है, वो कल्याण और सामान्यता, मतलब जो सोशलिज्म जो है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, समझ के जाइएगा क्योंकि क्वेश्चंस आजकल थोड़ा सा समझाने वाला भी पूछा जाता है। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसमें मेन जो फोकस होता है, ये जो अर्थव्यवस्था, इसमें जो मेन फोकस होता है, याद रखिएगा, लोगों का कल्याण होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कल्याण नहीं होता है, बट ये एक आइडियोलॉजी है, आपको समझना है कि इसका आइडियोलॉजी क्या है, इस अर्थव्यवस्था का आइडियोलॉजी क्या है, सोच क्या है। सोच तो होता है लेकिन उसको जमीनी स्तर पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, आइडियोलॉजी तो है, इस समाजवाद जो आपका अर्थव्यवस्था है इसमें आइडियोलॉजी ये है कि क्या होगा, कल्याण और समानता। दैट मींस लोगों के जो भी आपका यहाँ बनाया जाएगा, जो भी मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम बनाया गया, ठीक है, या कोई भी स्कीम निकाला गया, उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है।
ठीक है, ये नहीं देखा जाएगा उसमें, ये देखा जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रोग्राम ये सब बनाया जाएगा, जो भी स्कीम निकाला जाएगा, उसमें ये देखा जाएगा कि जो आपका जो वहाँ कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल है, जो आम जनता है, ठीक है, उसको क्या हो, उसको सहायता मिले, उनके लिए काम हो, वेलफेयर फॉर द पीपल, ठीक है, मतलब आपका कल्याण, आम जनता का कल्याण के लिए वहाँ स्कीम प्रोग्राम जो भी निकलेगा, और जो समानता आना चाहिए, समानता आना चाहिए मतलब ये है कि वहाँ ऐसा नहीं है कि एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और एक आदमी के पास पैसा ही नहीं है। तो जो आप ये चीज़ देखोगे इनकम इनइक्विलिटी, तो ये पूंजीवादी में बहुत आपको दिखेगा, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे तो उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, ठीक है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत नीचे हैं, तो इनकम जो इनइक्विलिटी देखते हैं, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनकम इनइक्विलिटी सबसे ज़्यादा किस अर्थव्यवस्था में दिखता है, तो आपको बोलना है पूंजीवादी, क्योंकि यहाँ तो पूरा गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है, किसी को गवर्नमेंट बढ़ने ही नहीं देगा, गवर्नमेंट सबको समान रखा है। तो मेन जो फोकस होता है आपका इसका जो समाजवाद अर्थव्यवस्था का होता है, वो लोगों का कल्याण होता है, लोगों का समानता होता है, यहाँ इनकम इनइक्विलिटी नहीं होगा, सबका इनकम एक समान होगा, हर एक चीज जो होगा गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के समानता के लिए और लोगों के कल्याण के लिए। बट वही चीज अगर हम लोग जस्ट इसको इधर हम पूंजीवाद में कर दे, तो मेन जो इसका जो मोटिव होता है, ठीक है, ये लोगों को रोजगार देगा, कंपनी खोलेगा पूंजीवादी लोग, ठीक है, कैपिटलिस्ट लोग, बट इसका जो मेन चीज होता है कोई भी कंपनी का अगर आप देखोगे तो मेन इसका फोकस क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट करना, क्या करना, मैक्सिमम प्रॉफिट करना। और याद रखिएगा मैक्सिमम प्रॉफिट करना एज वेल एज जो ये वाला जो इकोनॉमी होता है, ये वाला जो अर्थव्यवस्था होता है, इसमें इनकम इनइक्विलिटी जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। यहीं से एक पॉइंट आपको और पकड़ना है कि अगर यहाँ इनकम इनइक्विलिटी ज्यादा है तो यहाँ क्या होगा, डिफरेंट क्लासेस का जन्म हो जाएगा, डिफरेंट क्लासेस मतलब कोई अपर क्लास है, कोई लोअर क्लासेस है। तो याद रखिएगा डिफरेंट क्लासेस का जो जन्म होता है वो कहाँ होगा, वो पूंजीवादी में होगा। वहीं जो क्लास लेस मतलब कोई क्लास का बात ही नहीं है, सब लोग एक ही टाइप का है, एक ही टाइप का कपड़ा पहना हुआ है, इवन हम लोग बात करेंगे सोशलिस्ट का, सोशलिस्ट इकोनॉमी का, तो इवन कपड़ा का जो दुकान होगा वो भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाएगा, ठीक है, अब बोला जाएगा कि ऐसे ऐसे कपड़ा चलेगा तो वही कपड़ा सब लोग पहनेगा। तो एक चीज भी आपको यहां देखना कि यहां ज्यादा लोगों के पास चॉइस भी नहीं है, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी नॉर्थ कोरिया को ही देख लो, ज्यादा चॉइस नहीं है, जो है सब चीज समान है सबके लिए, ठीक है। तो एक चीज यहां से आपको दिमाग में आना चाहिए, ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर कोई, चलिए उसको छोड़िए, ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है, रिसोर्स आर ऑन बाय द स्टेट, ये सब जो मैंने बताया, प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब पूरी तरीके से जितना भी रिसोर्स है वो आपका गवर्नमेंट के अंदर होगा, कोई भी यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई बात ही नहीं होता है। ये जो है आपका जो सोशलिस्ट इकोनॉमी पूरी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, इनका मानना ही है, ये आइडियोलॉजी है, इनका क्या मानना है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो ही है, ठीक है, एक अभिश्राप है, पूरे समाज के लिए एक अभिश्राप है, इनका मानना है, किसका मानना है, आपका सोशलिज्म का, सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था का। जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ोगे आपको और समझ में आएगा चीज, बस अभी मान के चलिए कि इन लोग पूरी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो रिसोर्स मतलब संसाधन, राज्यों मैंने ये समझा, निजी संपत्ति पूरी तरीके से ये होता है। एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जैसे कि पूरी तरीके से यहाँ गवर्नमेंट के अंदर है, तो आपको ये भी समझना है क्या इसमें कोई कॉम्पिटिशन होगा, आप सब बताओ, ये दुकान भी गवर्नमेंट का है, वो दुकान भी गवर्नमेंट का है, ठीक है, दो दुकान है मान लीजिए कपड़ा का, दोनों ही गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, तो कोई ये होगा, मतलब कंपटीशन होगा, नहीं होगा भाई, कोई मतलब ही नहीं है, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया जा रहा है, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा, तो कंपटीशन पूछा जाएगा कि किस, ठीक है, किस आपका अर्थव्यवस्था में कंपटीशन एक मेजर रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन जो है एक मेजर रोल प्ले करता है। तो याद रखिएगा ये जो है, ठीक है, ये जो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें क्या है, आपका कंपटीशन बहुत ही हाई होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को टक्कर देते रहता है, बट ये जो चीज है इसमें कोई कंपटीशन नाम का कोई चीज ही नहीं होता है, वर्ग विहीन, डेट मीन्स कोई क्लास का बात नहीं होता है, सब लोग इक्वल है, तो ना ही कंपटीशन कोई होगा, ना ही कोई क्लास होगा, और ना ही कोई इनकम इनइक्विलिटी होगा, सबका इनकम समान होगा, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये होता है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब जस्ट इसका ऑपोजिट क्या होगा, तो याद रखिएगा फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको बोला जाता है, एडम स्मिथ को बोला जाता है, ठीक है, कंप्लीटली प्राइवेटली ओन्ड होगा, पूरी तरीके से हर एक चीज मैंने बताया, यूएस का एग्जाम्पल लेके हो गया, यूके हो गया, वहां मैक्सिमम चीज, ठीक है, जो है वो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए आप देख लो यूएस में एक से एक आईटी कंपनी है, ठीक है, आप एप्पल का बात करो वो भी वहाँ का है, माइक्रोसॉफ्ट का बात करो वो भी वहाँ का है, ठीक है, उसके बाद एडोबी का बात करो आई थिंक वो भी वहाँ का है,
ठीक है, समझ में आया। तो वहां कंपनियों के द्वारा मैक्सिमम, इवन उनका जो पूरा जीडीपी है, ठीक है, इसीलिए उनका जीडीपी इतना राइज हो रहा है। देखो जब भी कंपटीशन आएगा लोगों में, ठीक है, तो इवोल्यूशन होगा ही होगा। अगर मैं आज मेरे से कोई कंपटीशन नहीं है, अगर मान लीजिए जॉब में कोई कंपटीशन नहीं होगा, कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, तो यहाँ कंपटीशन इतना हाई है, ठीक है, क्या कंपनियों के बीच में, तो कंपटीशन एक मेजर रोल प्ले करता है, और जिससे इसका जीडीपी भी बहुत। तो ऐसे भी जितने विकसित देश बोलोगे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपका चाइना का एक अलग ही केस है, उसका मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया, ठीक है, तो आपका क्या है, वो कैपिटलिस्ट है। तो मेन इनका फोकस रहता है, सबसे बड़ा याद रखना, इनका जो मेन फोकस, सबसे पहले याद रखो कि इनका जो फादर ऑफ जो कैपिटलिस्ट किनको बोला जाता है, तो ये आपका एडम स्मिथ को बोला जाता है। वर्ग विहीन समाज, मतलब यहाँ क्लास, ये वर्ग विहीन नहीं होगा, यहाँ क्या होता है, क्लास वाला सोसाइटी डेवलप हो जाता है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो यहाँ क्लास वाला सोसाइटी डेवलप, मतलब वर्ग, डिफरेंट डिफरेंट वर्ग का डेवलप हो जाता है, ठीक है। बट ये वाला वर्ग विहीन है, मतलब इसमें कोई क्लास नहीं होता है, ठीक है। आय का असमानता होगा, मैंने आपको बताया, आय में क्या हो जाएगा, इनकम में इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। फ्री मार्केट इकोनॉमी, यहाँ फ्री है मार्केट में, ठीक है, कॉम्पिटिशन में कॉम्पिटिशन है, ठीक है, कोई यहाँ का ऊपर से कंट्रोल, ठीक है, लिटिल बिट कंट्रोल हर देश में होता है, बट जैसा कि सोशलिस्ट होता है, नहीं, जो सरकार बोलेगा वही होगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ में बहुत सारा रूल एंड रेगुलेशन जो होता है मेनली मार्केट के लिए, वो कैपिटलिस्ट के द्वारा ही तय किया जाता है, ठीक है, इसमें उतना इंटरफेयर नहीं होता है। तो एक चीज और याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और इसमें क्या होता है, कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, मतलब गवर्नमेंट इसमें कोई भी आपका कंट्रोल नहीं करती है। ऊपर का लिटिल बिट कंट्रोल हो सकता है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होता। इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट का इसमें पूरी तरीके से पावर होगा, इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट का इसमें मतलब दखल अंदाजी आपका नहीं होगा। फ्री मार्केट होगा इकोनॉमी, आपस में बहुत कंपटीशन होगा। मेन फोकस इनका क्या होगा, तो मेन फोकस इनका ये होगा कि कितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए। और एक चीज, जो भी रिसोर्स है, चाहे किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, मान लो किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, तो वो किस पे डिपेंड होगा। यहाँ तो मेनली जो डिपेंड होता है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है कि कितना उसको प्रोडक्शन करना है, वो अपने हिसाब से करेगा। बट यहाँ का जो प्रोडक्शन होगा वो ऑलवेज डिपेंड होगा डिमांड एंड सप्लाई पे। जिस चीज का डिमांड बढ़ेगा उस हिसाब से वो सप्लाई बढ़ेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई जो होता है ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है, बल्कि मार्केट फोर्स, मार्केट क्या डिमांड कर रहा है, मार्केट क्या चाह रहा है, उस हिसाब से क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई का प्रोडक्शन होगा। बट यहाँ जस्ट अपोजिट, ठीक है, इसी से मना, कोई गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा। और मैंने बताया, ठीक है, कि इनकम इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास कम पैसा है इसमें, ठीक है, जिससे क्या होगा, एक क्लास भी डेवलप हो जाएगा, हायर क्लास का कोई है, कोई लोअर क्लास का, बट इसमें ऐसा नहीं। जिसका एग्जाम्पल है यूएस हो गया, यूके हो गया। ओवरऑल आपने क्या समझा कि कैपिटल, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट से आपने क्या समझा, कि सिंपल आपने ये समझा कि दो एक आइडियोलॉजी भी है, ठीक है। जैसे कि जो रसिया है, ठीक है, वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का है, ठीक है, वही जो आपका यूएस है वो क्या है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का है। वही भारत में अगर देखोगे तो ये मिक्स्ड है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो जो हमारा ट्रेन है पूरी तरीके से प्राइवेट अभी नहीं हुआ है, उसमें क्या है, प्राइवेट भी है, ठीक है, एज वेल एज अभी गवर्नमेंट का भी हैंड है। चलो फ्यूचर में क्या होगा नहीं पता, बट अभी क्या, ट्रेन में दोनों मिलके काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी मिलके काम कर रहे हैं, और आपका जो गवर्नमेंट है वो भी मिलके काम कर रहे हैं। इसी तरीके से टूरिज्म सेक्टर भी वैसे ही है, बहुत सारा ऐसा जो मोनूमेंट्स है, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को दे दिया गया है, जैसे अदानी को बहुत सारा चीज दे दिया गया है, इतने साल के लीज पे दे दिया गया। तो वहां क्या हो रहा है कि आपको दोनों मिलके काम कर रहे, तो जो मिलके जहां काम किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड, मतलब सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट जहां मिल जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स, जैसे कि भारत में है, ठीक है। तो ये चीज आपको, एक चीज आपको मेनली, ये दोनों से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लीज जो जो मैंने आपको समझाया उसको याद रखिएगा, क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछता है मैं अभी दिखाऊंगा। उसके बाद एक चीज और आपको याद रखना है कि जो कोई भी अगर इकोनॉमी है, ठीक है, कोई भी अगर सेक्टर है, ठीक है, तो टोटल बेसिकली जो आपका अर्थव्यवस्था में, ठीक है, अर्थव्यवस्था के बारे में हमने बात किया, अब अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कौन करेगा, तो तीन सेक्टर बेसिकली सपोर्ट करता है। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, और एक होता है टर्शियरी सेक्टर। अब मेनली जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसके एग्जाम्पल से कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, और टर्शियरी सेक्टर। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था का, आपको एक चीज समझाता हूँ, किसी भी अर्थव्यवस्था का, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था का, ठीक है, नापन कैसे हुआ कि ये इसका अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा है, तो वो होता है उसका जीडीपी से। क्या होता है, उसका जीडीपी से।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक दरोगा का एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, तो सिंपल भाषा में फिर से मैं समझाता हूं, एग्जाम में आप इजिली टिक मार के आओगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हमारे भारत में, हमारे भारत के अंदर, मतलब हमारे भारत का जो नक्शा है, ठीक है, हमारे भारत का जो टेरिटरी, हमारे भारत के अंदर एक साल में, याद रखना, हमारे भारत के अंदर, सिर्फ हमारे भारत के अंदर एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू होता है वही कहलाता है आपका जीडीपी। अब बोलोगे सर गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, देखिए गुड्स एंड सर्विसेज, अब देखो मैंने क्या बोला जीडीपी क्या है, तो जीडीपी है मतलब हमारे भारत क्षेत्र के अंदर एक साल में, ठीक है, आपका गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू होता है वही कहलाता है, सबको ऐड करके वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है जीडीपी। गुड्स मतलब मान लीजिए एक कार कंपनी है, ठीक है, वो साल में मान लीजिए कि 1000 कार आपका निकालती है, तो उसका जो फाइनल वैल्यू होगा वो एक साल में जितना भी कार वो निकालती है उसका जो फाइनल वैल्यू होगा वो जीडीपी में ऐड होगा। मान लीजिए और भी बिस्कुट कोई कंपनी है, कोई आपका किताब बनाती है, कोई बाइक बनाता है, कोई कार बनाता है, बहुत सारे, तो जितने भी कंपनी है, ठीक है, जो आपका कुछ प्रोडक्शन करती है, ठीक है, कुछ निर्माण करती है, ठीक है, और उसका जो वैल्यू है, ठीक है, पूरे एक साल में जो निर्माण करते हैं उसका जो पूरा वैल्यू है उसको ऐड करके उसमें हम लोग किसको बोलते हैं जीडीपी में उसको ऐड करते हैं, वही हमारा जीडीपी। तो ये तो हो गया गुड्स। अब सर्विसेज क्या है, सर्विसेज जैसे कि देखिए हम हैं, ठीक है, हम आपको क्या दे रहे हैं, सर्विसेज ना दे रहे, इनडायरेक्टली सर्विस दे रहे हैं, डेट मीन्स आप मुझसे पढ़ रहे हो, फिजिकली हम आपको कुछ नहीं दे रहे, ठीक है, हम आपको बस सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हम सिंपली आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या है, एक सर्विस है, ठीक है, तो आप मुझे पे कर रहे हो, ठीक है, और हम जो है आपको, ठीक है, जो ये पे कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, ये जीडीपी में इंक्लूड होगा, क्या होगा, ये भी जीडीपी में इंक्लूड होगा। तो जो चीज़ आप फिजिकली किसी चीज़ को आप नहीं देते हो, बस आप उसके लिए सर्विस देते हो, जैसे कि कोई चीज़ खराब हो जाता है, आप किसी से बात कर ले, उसके लिए वो चार्ज कर लिया, या आपका कोई मान लीजिए कोई भी डॉक्टर है, आजकल ऑनलाइन भी डॉक्टर कंसल्टेंट कर, तो सर्विस दे रहा है, कोई आपको सॉफ्टवेयर दे रहा है, मान लीजिए कि आपने कोई मोबाइल में नया सॉफ्टवेयर डाला, लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर डाला, तो आपको तो फिजिकली कुछ आके दिया नहीं, क्या है, वो सर्विस दे रहा है आपको, ठीक है, सिंपली वो सर्विस दे रहा है, तो उसका भी वैल्यू क्या होता है, मान लीजिए किसी ने आपको सॉफ्टवेयर बेचा, तो आपको फिजिकली किसी कोई चीज़ आके वो थोड़ी दिया, सिंपल आपको सॉफ्टवेयर दे दिया है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का भी तो कुछ पैसा लिया होगा, तो वो भी क्या होगा, जीडीपी में ऐड होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत डिटेल में मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूँ, ठीक है, कि जीडीपी मतलब होता है पूरे एक साल में हमारे भारत के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू, टोटल वैल्यू होगा, उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये जीडीपी होगा, जैसे कि हमारे भारत में, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और अभी क्वार्टरली भी आ गया, तो बेसिकली पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है, ठीक है, हमारा अर्थव्यवस्था का कौन सा ऐसा सेक्टर जो सबसे ज़्यादा जीडीपी में क्या करती है, हेल्प करती है, मतलब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, तो वो है हमारा टर्सरी सेक्टर, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ये भी पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि तीन सेक्टर, तीन अर्थव्यवस्था का क्षेत्र होता है, थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, पहला है आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है आपका सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है आपका टर्सरी सेक्टर, और एक और होता है क्वार्टरी सेक्टर या क्वार्टरनी भी बोल सकते हो इसको, फोर्थ नंबर का, पर मेनली पूछा जाए तो बोलना तीन ही, ठीक है। अब देखो जो मैं समझा रहा हूँ एकदम ध्यान से समझना, ना ही किसी बुक में है और ना ही कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो जैसे मैं आपको याद करवा रहा हूँ ऐसे याद करना। जैसे सबसे पहले हम लोग बात पूछा जाता है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, देखो तो प्राइमरी सेक्टर में वैसा चीज जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, अब मैं एकदम कनेक्ट कर दूंगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों को, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब ऐसा चीज जो हमें नेचुरली तरीके से हमें जो मिलता है वो है हमारा प्राइमरी सेक्टर क्या आता है, जैसे कि हम लोग एग्रीकल्चर, कृषि करते हैं, वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, वो भी हमारा जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, कर रहा होगा कि नहीं। जैसे कि आपने गहूँ उगाया, गहूँ को आपने बेचा, तो उसका भी वैल्यू क्या होगा, जीडीपी में ऐड होगा, ठीक है। तो याद रखना प्राइमरी सेक्टर में मैंने क्या बोला, बस एक पॉइंट याद रखना, जो हमें नेचुरली तरीके से मिलता है, जैसे कि हमने क्या किया, हमने एग्रीकल्चर किया, मतलब कृषि किया, किस में आएगा, आपका प्राइमरी सेक्टर में। हमने क्या क्या, आपका पशुपालन किया, किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। हमने मछली पालन किया, किस में आएगा, आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। तो जो भी नेचुरली तरीके से मिलता है, जैसे मान लीजिए हमने माइनिंग किया मतलब कि कोयला निकाला, तो ये भी तो नेचर से ले रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, आपका
प्राइमरी सेक्टर में आ गए। नेक्स्ट आपका मान लीजिए कि आप ऑयल निकाल रहे हो, ठीक है, ऑयल निकाल रहे हो आप सी से, मतलब सागर से आप ऑयल निकाल लो, ये भी नेचुरल तरीके से, तो ये सब क्या हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर, नेचुरल तरीके से याद रखना बस, ठीक है। तो ये क्या है, कृषि हो गया, फसल पशुधन हो गया, मछली पकड़ना हो गया, वानिकी फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है, खनन हो गया, कोयला लोहा खनिज निष्कर्षण तेल, जितने भी तरीके आप कुछ भी पूछे आपको दिमाग में बस याद रखना है जो नेचुरल तरीके से हमें मिलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है और ये भी जीडीपी में सपोर्ट करता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा, ठीक है, एम्प्लॉयड है आदमी, ठीक है, क्या है, एम्प्लॉयड है, मतलब सबसे ज्यादा जो रोजगार है किसमें लोग लगे हुए हैं, तो आपको याद रखना है प्राइमरी सेक्टर, याद रखना अच्छे से प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। दूसरा है आपका सेकेंडरी सेक्टर, आप कैसे याद रखो, देखो तो कोई चीज आपको कहां नेचुरली तरीके से मिल गया, मान लीजिए आपने नेचुरली तरीके से आपने गहूम बना लिया, कृषि किया, गहूम बन गया, अब वो गहूम कहां जाएगा, आप जाएगा वो इंडस्ट्री में, कनेक्शन देखो, अब वो गहूम कहां जाएगा, इंडस्ट्री में, ठीक है। अब इंडस्ट्री में जब वो जाएगा तो इंडस्ट्री में क्या बनेगा, बिस्किट बनेगा, क्या बनेगा, बिस्किट। तो सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री आएगा, सिंपल याद रखना, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, जहां चीज बनाया जाएगा, यहां नेचुरली तरीके से हर चीज मिलता था, उस नेचुरली तरीके वाला चीज को फिर से हम लोग कहां भेज दिए, इंडस्ट्री में, बस मैं याद करवा रहा हूं आपको, तो वो क्या होगा, तो याद रखना सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ गया, उद्योग, जैसे कि कपड़ा उद्योग हो गया, हमने कॉटन मतलब कपास उगाया, वो तो क्या हो गया, कपास उगाया तो वो क्या हो गया, वो प्राइमरी सेक्टर, बट उस कपास को लेके हम इंडस्ट्री में गए और कपड़ा हमने बनाया, तो वो क्या हो गया, वो कपड़ा जो बन रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। तो जितना भी इंडस्ट्री है, जैसे उद्योग हो गया, खाद्य उद्योग हो गया, कपड़ा हो गया, निर्माण हो गया, विद्युत हो गया, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने हमने खनिज निकाला, ठीक है, मान लीजिए खनिज में हमने निकाला, खनिज भी निकाला हमने, बॉक्साइट निकाला या आयरन निकाला, ठीक है। अब वो आयरन जब हमने निकाला तो क्या क्या हमने निकाला, वो नेचुरली तरीके से निकाला, बस जो लोहा को, फिर लोहा से हमने क्या बना दिया, या कॉपर हमने निकाला, तो कॉपर जो हमने निकाला वो तो हमने निकाला, ठीक है, नेचुरली तरीके से, तो वो तो माइनिंग हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो वो तो क्या हो गया, वो आपका प्राइमरी सेक्टर में हो गया। बट अब माइनिंग एक्चुअली बेसिकली हम लोग कोयला के लिए करते हैं, लोहा के लिए करते हैं, तो खनन हो गया, ठीक है, मतलब माइनिंग, ठीक है, तो वो हमने लिया, पर उस कॉपर से फिर हमने वायर बना लिया, तो कॉपर से जब हमने वायर बनाया तो वो हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर। तो जितना भी उद्योग वाला चीज आएगा, सिंपल याद रखना बस एक वर्ड, इंडस्ट्री वाला जो चीज आएगा, उद्योग विनिर्माण, ठीक है, वो आएगा, जैसे कि खाद्य उद्योग हो गया, कपड़ा निर्माण हो गया, विद्युत का उद्योग हो गया, रासायनिक उद्योग हो गया, तो उद्योग वाला चीज। हमने यहाँ से गेहूं बनाया, तो गेहूं जो हमने उपजाया वो है प्राइमरी, गेहूं से जो आपका बिस्किट बन गया वो बन गया आपका सेकेंडरी सेक्टर में। अब ध्यान से देखना टर्सरी सेक्टर, और पूछा जाता है सबसे ज्यादा जो जीडीपी में सहयोग करता है वो करता है आपका टर्सरी सेक्टर, तृतीय आपका क्षेत्र। अब देखो जो टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, सर्विस देना, जैसे कि देखो आपने यहाँ बिस्कुट बनाया आपने इंडस्ट्री में, अब ये बिस्कुट को आपके घर तक पहुंचा रहा है कौन, अमेजोन पहुंचा रहा है, तो अमेजोन जो है वो टर्सरी सेक्टर में आ रहा है, क्यों, क्योंकि अमेजोन आपको सिर्फ सर्विस दे रहा है, तो जो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, जो सर्विस सेक्टर है वो क्या है आपका किसमें आता है, वो आता है आपका टर्सरी, जैसे सर्विस सेक्टर क्या, जैसे कि आपका स्कूल है, स्कूल भी क्या दे रहा है आपको, एक सर्विस दे रहा है, तो वो भी टर्सरी सेक्टर में आता है। हॉस्पिटल क्या दे रहा है आपका, सर्विस दे रहा है। एकदम दिमाग को क्लियर रखना, कभी आपका गलती नहीं होगा, ठीक है, जो भी आपको सर्विस दे, हॉस्पिटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, अमेजोन हो गया, अमेजोन भी क्या दे रहा है आपको, सर्विस दे रहा है, तो भी टर्सरी सेक्टर में। फ्लिपकार्ट क्या दे रहा है आपको, सर्विस दे रहा है। यहाँ से आपने गहूम बनाया था प्राइमरी सेक्टर से, गहूम उपजाया, गहूम के बाद बिस्कुट बना आपका सेकेंडरी सेक्टर में, और टर्सरी सेक्टर में अमेजोन चाहे फ्लिपकार्ट उस बिस्कुट को आप तक पहुंचा दिया। उसी तरीके से आपने यहां से कॉपर निकाला था प्राइमरी सेक्टर, माइनिंग में कॉपर आ गया, खनन में, ठीक है, उसके बाद उस कॉपर को आपने भेजा इंडस्ट्री में, कॉपर से बन गया आपका वायर, तो वायर जो इंडस्ट्री में बना तो इंडस्ट्री में हो गया ये भी, तो ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर। अब इस वायर को आपको आपके घर तक पहुंचा दे रहा, अगर आपको वायर चाहिए तो ये क्या हो जा रहा आपका सर्विस सेक्टर। तो देखिए सेवा प्रदान करता है, मतलब सेवा सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, थीके? सेवा प्रदान करता है जिसमें कि वित्तीय संस्थाएं हो गए, जैसे कि LIC हो गया, बैंक हो गया, ये सब क्या है, ये आपको सर्विस दे रहा है। LIC हो गया, बैंक हो गया, तो वित्तीय हो गया, वो भी आपको सर्विस दे रहा है। स्कूल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है,
बिक्री कर, मरम्मत करना, मरम्मत वाला सेवा, बीमा कर, ठीक है, जितना भी है ये सब जो है आपका सर्विस सेक्टर में, मतलब सिंपल जो आपको सर्विस देगा, चाहे आपको बैंक का बात करें वो भी आपको सर्विस दे रहा है, हॉस्पिटल का बात करें वो भी सर्विस दे रहा है, कोई LIC का बात करें वो भी आपको एक सर्विस दे रहा है। तो सर्विस वाला आपको देखना है कि ये है आपका टर्शियरी सेक्टर। अब एक आजकल चौथा सेक्टर भी आपका चल रहा है, क्वार्टरनरी सेक्टर। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ठीक है, IT जो बोलते हैं, IT बोलते हैं ना, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। तो आपको पूछा जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ठीक है, रिसर्च हो गया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ये किस में आता है, तो फोर्थ नंबर के ये सेक्टर में आता है, ये चीज आपको याद रखना है, बस इतना ही करना है। अब देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इससे भी हम लोग शॉर्ट में कर सकते थे। पहला क्वेश्चन देखिए, ये 2024 का मेंस का पेपर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ना ही ये बुक में मिलेगा क्योंकि डिट्टो मुझे याद है, डिट्टो मैंने आपके सामने यहाँ छाप दिया है, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एविल फॉर द सोशलिस्ट इकोनॉमी, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरा या बुराई है, ठीक है, या एक अभिशाप है। तो आपको पूछा जाए, देखिए इंडस्ट्री, हमने बात किया कि इंडस्ट्री सिर्फ इसमें ही होगा उसमें नहीं होगा, तो इंडस्ट्री तो दोनों में होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन करना है तो इंडस्ट्री तो एविल हो ही नहीं सकता है, अभिशाप हो ही नहीं सकता है। उसके बाद हमने बात किया, और इंडस्ट्री मतलब उद्योग सेकेंडरी सेक्टर में आता है, याद के। उसके बाद कैपिटल, पूंजी के बारे में हमने कुछ बोला, कैपिटल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हमने पूंजी के बारे में नहीं बोला। तो क्या ये आपका कैपिटल, तो खैर दोनों में चाहिए, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें नहीं चाहिए कैपिटल, पैसा तो दोनों को ही चाहिए, ठीक है, तो ये क्या है, नहीं ये नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक समानता, तो आर्थिक समानता तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का ही देन है, इसका तो मेन रूल ही है कि आपका आर्थिक समानता होना चाहिए, कोई क्लास का अपर क्लास लोअर क्लास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेन जो एक जो ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो जो आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, जब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होती है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होती है, अच्छे से याद रखिएगा। तो ये था इसका बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझना पड़ेगा, थोड़ा समझ के करना। अब यहाँ आइए, मैन्युफैक्चरिंग, अब धराधर इसका आंसर दोगे, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब क्वेश्चंस आए हुए, पेपर उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आता है, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है किस सेक्टर में आता है, यहाँ ये पूछा जाए। प्राथमिक में क्या आता था, जो नेचर से हमें मिलता है, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, मतलब वानिकी हो गया, वन से भी अगर हम लोग कोई चीज़ ले रहे तो वो भी क्या है, वन से ले रहे ना, ठीक है, पेड़ से ले रहे, तो वो तो हो गया। द्वितीयक में क्यों आता है, इंडस्ट्री आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, तो मैन्युफैक्चर बिस्कुट का हम लोग ने मैन्युफैक्चर किया था, तो मैन्युफैक्चरिंग जो आता है आपका सेकंड में आता है। उसके बाद है आपका एग्रीकल्चर किस में आता है, ये सब क्वेश्चंस आए हुए, एग्रीकल्चर प्राथमिक में आएगा। सोशलिज्म विचार किसे स्वीकार नहीं करता है, ठीक है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी किसे स्वीकार नहीं करता है, तो पर्यावरण संरक्षण, ऐसा कोई हमने बात ही नहीं किया है, ठीक है। आर्थिक समानता, ठीक है, आर्थिक समानता तो होना ही चाहिए, इनकम इक्वलिटी तो होना ही चाहिए, तो ये तो होगा ही, ठीक है। पूंजी के बात में कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो निजी संपत्ति अगेन, ठीक है, ये मैंने बुक से उठाया, बट ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आया था, जो मैंने पूछा है वैसे आया था, आई थिंक उन्होंने इसी क्वेश्चंस को डाला है, क्योंकि अब वो मेमोरी बेस्ड बनाते हैं, बट मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन बताया कि वहाँ इविल वर्ड यूज था, ठीक है। तो निजी संपत्ति के अगेंस्ट होता है समाजवाद, आपको मैंने बता दिया। उसके बाद है कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है, जो कैपिटलिस्ट जो अर्थव्यवस्था होता है मूल सिद्धांत क्या है। पहला आपको लिखा है गैर लाभकारी, मतलब नॉन प्रॉफिट, क्या वो नॉन प्रॉफिट पे काम करता है आपका कैपिटलिस्ट, नहीं भाई जी, इसका तो मेन काम ही होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपको निकालना है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा आपका प्रतिस्पर्धा, डेट मीन्स आपका कंपटीशन, बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि जो मेन जो मोटो होता है, ठीक है, आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, वो दो ही होता है, एक है आपको मैक्सिमम उसको प्रॉफिट लेना है, और दूसरा उसमें हाई कंपटीशन होता है, ठीक है। तो यही इसका सही हो जाएगा, बाकी का कुछ मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, ये देखो, मतलब ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक्चुअली, इसका इसे प्राइवेट, एक होता है ये प्राइवेट कंपनी होता है, ठीक है, और एक गवर्नमेंट कंपनी भी होता है, ठीक है। मेनली ये क्वेश्चन जो है आप डायरेक्टली इसका मार सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का है, आप इसका आंसर बताना, ठीक है। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, टिस्को का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1907 में। अब मुझे बताना, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, आपको ये आपको पूछा गया, ठीक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर का है, रेलवे, टिस्को, रिलायंस एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ टिस्को के बारे में 1907 लिखा है,
तो मुझे ये बताना कि क्या टिस्को 1907 में फॉर्म हुआ था कि नहीं, ठीक है? वो बेसिक क्वेश्चन है, मैंने उसको आपको ऐसे कर दिया, ठीक है? सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, आई थिंक यहां उदाहरण नहीं होना चाहिए। चलिए इसको हम आगे देखेंगे। एक होता है, चलिए इस पे आते हैं। एक संपूर्ण परफेक्टली कंपटीशन, देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो टॉपिक हमने पढ़ा है हम चाह रहे कि उसी पे हम एक्सप्लेनेशन दें, ठीक है? एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट में निम्नलिखित में से विशेषता, मतलब जो परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट सबसे पहले किस इकोनॉमी का ये है, तो ये पूंजीवाद, दैट मीन्स कैपिटलिस्ट का, ठीक है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का है, ठीक है? ये चीज आपको समझ में आया, ठीक है? उसके बाद यहां बोला कि बाजार में, ठीक है, बाजार में अब देखो कि पूछा है कि परफेक्टली जो कॉम्पिटेटिव मार्केट जो होता है इसमें कौन से, उसके लिए ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। पहला है, बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार एंड विक्रेता शामिल है। देखिए ये बिल्कुल सही है, कंपटीशन कब आएगा, किसी चीज में कंपटीशन कब आता है, जैसे कि मोबाइल के बहुत सारा कंपनी आप लोग देख रहे हो, क्यों? क्योंकि लोग मोबाइल बहुत खरीद रहे हैं तो इसलिए कंपटीशन है। मान लो कि अगर खरीदार होगा ही नहीं, ठीक है, बाजार में, तो कंपटीशन किससे करें, मतलब कोई कंपटीशन का बात ही नहीं रहा। कंपनी आपस में क्यों कॉम्पिटिशन करती है, जब बाजार में लोग होते हैं उनके सामान को खरीदने वाले, तो एक से एक मोबाइल अभी देख लो, तो कंपटीशन कब होगा, जब खरीदार होगा भाई, जब खरीदार ही नहीं है तो किससे, किसके लिए वो आपस में कंपटीशन करेंगे, सिंपल सी बात है। तो बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता बिल्कुल सही है। उसके बाद सभी फॉर्म समरूप वस्तु बनाएंगे, समरूप मतलब होमोजीनियस। देखिए कॉम्पिटिशन कब होगा, जब मेरा, मैं भी वही सामान बना रहा हूँ जो आप बना रहे हो। मान लीजिए मैं कुछ और बना रहा हूँ, मैं आपका साइकिल बना रहा हूँ, ठीक है, और आप मोटरसाइकिल बना रहे हो, तो हम दोनों के बीच में कोई कंपटीशन होगा? अरे नहीं होगा, आप साइकिल बनाने वाले हो, मैं साइकिल बनाने वाला हूँ, आप मोटरसाइकिल बनाने वाला हो, तो हम दोनों के बीच में कोई कंपटीशन होगा ही नहीं, ठीक है? ये तो दूसरे, उसका खरीदार कोई अलग है, इसका खरीदार कोई, तो याद रखिएगा कॉम्पिटिशन तभी होगा जब एक समान का चीज बनाएंगे, होमोजेनियस बनाएंगे, ठीक है? तो ये भी बिल्कुल सही है, सभी फॉर्म समरूप वस्तुएं बनाएंगे, मतलब सेम प्रकार के आपके होमोजेनियस आपका ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है, ठीक है, प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है। देखिए ये भी बात सही है, मान लीजिए कि कंपटीशन कब होगा, यहाँ बोला कि परफेक्ट कंपटीशन कब होगा, मान लीजिए कोई मोबाइल हम 1000 रुपया में बेच रहे हैं और आप भी उसी को 1000 रुपया में बेच रहे हो, तभी ना कंपटीशन होगा। मान लीजिए मैं 1000 रुपया में बेच रहा हूँ, आप 900 में बेच रहे हो, तो सिंपल है, कंपटीशन रह कहाँ गया, 900 में वाला जाके उसको ले लेगा। तो ये भी है कि प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाले हैं, तो ये भी इसका सही हो जाएगा, ठीक है? वो एक क्वेश्चन आप रहने दो, ठीक है? तो टोटल आपका ये, आई थिंक मैंने आपका ये कंप्लीट करवा दिया है। देखिए हम मेहनत पूरा कर रहे हैं, ठीक है, बट आप लोग देखते हो, ठीक है, कल पहला वीडियो 5000 लोग देखें, बट देखना तो और चाहिए, ठीक है, बट कोई बात नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, स्पेशल टाइम निकाल के आपको ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपका बस इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आप लोग पूरा वीडियो देखें, देखने का मन नहीं भी करता है फिर भी देखना है, क्योंकि जब देखोगे तभी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपके बनेंगे। एंड वन मोर थिंग, जितना कंसाइजली एंड कंसेप्चुअली हम आपके सामने रख रहे हैं, मैं फिर से बताता हूँ, इतना एफर्ट कोई नहीं देगा ताकि कम समय में मैं आपको ये चीज़ बता पाऊँ, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, बहुत ही ब्रेन स्टॉर्मिंग करता हूँ, उसके बाद कम समय में कैसे आपको चीज़ों को समझा जाए वो आपके सामने रखता हूँ। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल स्टडी हार्ड, और अगेन चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और लोगों तक ये वीडियो आप जरूर शेयर करें ताकि ड्रीम डोज आगे बढ़ पाए, वो भी आपके प्यार से। जय हिंद।